बिहार में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी थोड़ा समय है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय पार्टी तक चुनावी मोड में नजर आ रही है। छपरा में विधानसभा चुनाव इस बार काफी टफ होने वाली है, जिससे 10 विधानसभाओं में सबसे चर्चित नाम मांझी विधानसभा का है, जहां से राजद के कद्दावर नेता पूर्व MLC प्रत्याशी सुधांशु रंजन पांडे इस बार चुनावी मैदान में होंगे। सुधांशु रंजन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोरंजन पाठक ने। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर अगर आप बात करें तो तैयारियां जो है अब जोरों पर पहुंची गई। सभी पार्टियां जो है वो अब चुनाव मैदान में उतरने के मूड में पूरी तरह आ चुकी है। इसी दौर में एक मतलब अगर बात करें आप एक युवाओं की धड़कन और युवाओं में काफी क्रेज रखने वाले सुधांशु रंजन, जो कि पहले भी राजद के MLC प्रत्याशी भी रह चुके हैं, अगर इस बार बात करें तो मांझी विधानसभा में इनकी काफी जोरों शोर से इनकी चर्चा हो रही है, जिसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आखिर पूरा मामला क्या है, क्या इस बार चुनाव मैदान में सुधांशु रंजन उतरेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके भी आरपी एक भारत चैनल को। बहुत सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार क्या सुधांशु रंजन जो है मांझी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में राजद के प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। यार निश्चित रूप में अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित रूप में मैं मांझी से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर आप सुधांशु रंजन के बारे में अगर जानना चाहें तो ये लालू यादव के एक सच्चे सिपाही के रूप में शुरू से जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें पूर्व में भी MLC का प्रत्याशी भी बनाया गया था। हालांकि थोड़ी सी चुप के लिए ये थोड़ा पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार भी काफी हल्ला है, काफी शोर है कि सुधांशु रंजन मांझी विधानसभा से राजद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है जनता की ये बात है कहां तक ये सच्चाई है कि इस बार आप राजद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। मांझी जो सर्वे रिपोर्ट आता है पार्टी का सर्वे रिपोर्ट और जनता की चाहत, युवाओं का प्रेम, माताओं बहनों का आशीर्वाद और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और सर्वे रिपोर्ट सुधांशु रंजन पांडे के पक्ष में आता है, तो निश्चित रूप में सुधांशु रंजन पांडे को पार्टी अगर वहां का प्रत्याशी बनाती है तो पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से जीत के जाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, आप ये उम्मीद करते हैं कि मांझी की जनता सुधांशु रंजन के ईश्वर आशीर्वाद। मांझी की जनता, सारण की जनता ने अगर चाहा तो मैं MLC का चुनाव लड़ा था ना, और पार्टी के A to Z फॉर्मूला को लागू करते हुए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने फुल विल किया तो हमको टिकट मिलने का कार्य हुआ था। हमारे नेता हमेशा कहते थे A to Z की बात करते। काफी उम्मीद है सुधांशु रंजन से लोगों का शिक्षा को लेकर। बात करें अगर सुधांशु रंजन की, जो कि इस बार उम्मीद करते हैं कि मांझी विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी होंगे, लेकिन ये वर्षों से मांझी विधानसभा को ही अपना लक्ष्य बनाए हैं, उनके विकास को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। ऐसे में इन्होंने मांझी विधानसभा को ही क्यों चुना और क्या उम्मीद करते हैं मांझी विधानसभा के विकास को लेकर? निश्चित रूप में मांझी विधानसभा मांझी के प्रथम विधायक और प्रथम बिहार में मंत्री बने थे तो मांझी के मंत्री बनने का कार्य किया था। पंडित देशदत्त तिवारी जी का क्षेत्र रहा है, तो निश्चित रूप में अगर पंडित देशदत्त तिवारी के सपना की बात करते हैं तो विकास की बात करते हैं, तो युवाओं का विकास हो तो युवाओं के साथ संगोष्ठी हो, बैठक हो, माता बहनों का विकास के लिए, मांझी के विकास को रोड मैप पर उतारने के लिए हमारे गार्जियन का आशीर्वाद प्राप्त हो, जो भी हमारे बुजुर्ग हों उनसे मिलने का कार्य किया जाए, उनके बात को समझने का कार्य किया जाए कि आखिर मांझी में चाहता लोग क्या है, मांझी का विकास कैसे हो। तो मांझी के विकास में सभी लोगों को जब एकजुट एक पटल पर हम लोग लाने का कार्य करेंगे तो बीच का निचोड़ बात समझ में आएगा कि आखिर में क्या है। लेकिन अहम मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमारे युवा और हमारे गार्जियन जरूर बल देंगे, और शिक्षा और स्वास्थ्य मांझी का अहम मुद्दा होगा, और मांझी के मुद्दा पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर नहीं, रोजगार भी काफी बड़ा मुद्दा है। रोजगार तो निश्चित रूप में मिलेगा ना, रोजगार तो हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना में जो कार्य करके दिखाया है, तो निश्चित रूप में अगर हम लोग 2025 का चुनाव जीतते हैं और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी CM बनते हैं तो रोजगार की गंगा बहेगी और पूरे बिहार में एक ही नाम गुजरेगा, तेजस्वी मैं। बिल्कुल, हमारे साथ थे सुधांशु रंजन, जो कि इस बार अगर ये इनके बारे में आपको बताते हैं, सबसे ये अहम बात है कि ये लालू यादव के सच्चे सिपाही के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए काफी करीबी भी माने जाते हैं, तो ये इस बार अगर विधानसभा चुनाव में अगर शीर्ष नेतृत्व इनको अगर मांझी विधानसभा का प्रत्याशी बनाती है तो ये मांझी में विकास का गंगा बहाएंगे। छपरा से आरपी भारत के लिए मैं मनोरंजन पाठक। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।